Today we are going to discuss lecture 12.7.3 indefinite integrals integration by substitution part 2. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन. यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है देन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और ये हमारी वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी डाउट से रिलेटेड टू वीडियो नोट्स आप वहां देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी वहां पर मिलेगी. ठीक है, आज हम कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स पढ़ेंगे. अभी तक हमने फर्स्ट थ्री टाइप्स के बेस्ट क्वेश्चन सोल्व किए थे, फर्स्ट थ्री टाइप पे बेस्ट क्वेश्चन सोल्व किए थे. अब नाउ टाइप नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है. टाइप नंबर 4 इंटीग्रेशन I इक्वल टू f dash x upon fx into dx. और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, log fx base c plus c. अब इसको हम सोल्व करते हैं. लेट fx इज इक्वल टू therefore differentiation of fx f dash x is equal to, अब t का differentiation क्या होता है, dt upon dx. तो dt को अपन right hand side में लिखेंगे और dx को इधर लिख देंगे left hand side में. so therefore I is equal to integration, अब in place of f dash x dx, इसके place में हम क्या लिखेंगे, dt. so we get dt upon t. अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c. और t हमने किसको लेट किया था, fx को. यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, log fx प्लस c. यानी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. अभी हम कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले उनको प्रोसीजर से करेंगे पूरा, एंड देन वी विल राइट डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 1, आई इज इक्वल टू, कोई भी इंटीग्रेशन उसको हमेशा अपना आई से डिनोट करेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, एटलीस्ट इंटीग्रेशन के दौरान मिनिमम 20 टाइम्स हम इसको करूंगा ही. लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. कैसे दिमाग में इसको टी लेट करना, क्यों देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल हो कितना होता है, 2x है. यानी जो आपका 2x वो क्या हो गया, f डैश x हो गया. ये आपका f डैश x है और जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो आपका fx है. यानी इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे. अब इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x. फिर t का डिफरेंशियल क्या होता है, dt अपॉन dx. तो dx अपन किधर लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. अब इन प्लेस ऑफ 2x इनटू dx वी कैन राइट dt. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t. अब dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t बेसी प्लस सी. टी किसको लेट किया था हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को. तो लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. जब किसी लार्ज क्वेश्चन में ये स्टेप्स आती तब हम डायरेक्ट लिखेंगे. मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया 2 मार्क्स में या 1 मार्क में, तो आपको पूरा प्रोसीजर से करना, मतलब लेट करके. कुछ और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोसेक्स अपॉन
x plus sin x into dx. Let x plus sin x is equal to t. ध्यान से देखो आप, x plus sin x का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, 1 plus cos x. यानी ये जो आपका 1 plus cos x है, ये जो पूरी टर्म है 1 plus cos x, ये आपका हो गया f dash x. और ये जो x plus sin x है वो है आपका f x. अब नेक्स्ट टर्म इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और उसके बाद t का अपन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx. तो dx अपन हमेशा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे डायरेक्ट. देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 1 प्लस cos x इनटू dx की प्लेस पे लिखेंगे अपन dt, और अपॉन में आ जाएगा आपका t. अब dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c. और t किसको अपन ने लेट किया है, x प्लस साइन x को, तो log बेस c x प्लस साइन x प्लस c. अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 3, हमने स्टार्टिंग में इसको एज ए फार्मूला लिखा था अगर आपको याद हो तो, इंटीग्रेशन कोटेक्स डीएक्स. कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स. अब अपने डायरेक्ट क्यों लिखा था अब समझ में आएगा आपको. अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कोटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डीएक्स. अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो कॉस एक्स है वो आपका क्या है, एफ डैश एक्स है, और जो साइन एक्स है वो आपका क्या है, एफ एक्स है. और यदि कहीं भी अगर इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डीएक्स आए तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप लॉग एफ एक्स. यानी इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स बेस सी. अब एफ एक्स मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स है वो साइन एक्स है, तो लोग साइन एक्स बेसी प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली हमने एक और ये फॉर्मूला लिखा था अगर आपको याद हो तो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डीएक्स. अब टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू dx. अब टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन यहां पे माइनस साइन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देते हैं अपन. बाहर अपन माइनस साइन लिख देते हैं और अंदर क्या लिख देते हैं, माइनस. अभी जो माइनस साइन x है वो आपका हो गया एफ डैश x, और जो cos x है वो आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया. यानी आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, क्या होगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, माइनस साइन एज इट इज और log एफ एक्स. यानी क्या हो जाएगा, log cos x और बेस c प्लस c. नेक्स्ट प्रॉब्लम, कुछ और फॉर्मूला अपन ने वहां पे डायरेक्ट लिखे थे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंटीग्रेशन sec x dx. अब हमें sec x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, स्पेशल रिजल्ट है, आपको याद रखना है इसको, ऐसे नहीं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको इसको याद रखना पड़ेगा. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x प्लस tan x. sec x प्लस tan x
अपॉन में sec x प्लस 10x। अब ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि जो sec x प्लस 10x है वो आपका क्या हो गया, fx हो गया। दिस इज fx और इसका डिफरेंशियन क्या होता है sec x प्लस 10x का, sec x का होता है sec x इंटू 10x और 10x का होता है sec स्क्वायर x। और अगर sec x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, sec x इंटू sec x प्लस 10x। तो जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी वो आपका हो गया f'x। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बाद में। ये आपका f'x, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इसका। तो आंसर क्या आएगा, log sec x प्लस 10x। ठीक है, सॉरी, log sec x प्लस 10x प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि एक तो ये आंसर था log sec x प्लस 10x और एक और आंसर पर ने लिखा था log 10x by 2 plus pi by 4। तो अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई करेंगे अपन। sec x को हम लिख सकते हैं 1 upon cos x और 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, sin x upon cos x। प्लस सी। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, log टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, अभी जो 1 प्लस साइन एक्स है बहुत सारे जगह हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दौरान भी, आपने इसको सिंप्लीफाई किया था अगर याद हो तो। 1 की जगह हमने लिखा था कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स के प्लेस पे लिखा था 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इक्वल टू लॉग 1 के प्लेस पे अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स के प्लेस पे अपन लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन अपॉन में कॉस एक्स है, वहां पे फिर से अपन फॉर्मूला लगाएंगे कॉस 2x का, हाफ एंगल फॉर्मूला यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, अब न्यूमरेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर और अपन में आप फैक्टर्स करेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वी गेट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस सी। आफ्टर दिस डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई टू, किससे डिवाइड करेंगे, कोस एक्स बाई टू से। अब देखो न्यूमरेटर को डिवाइड करना अपन को कोस एक्स बाई टू, मीन्स डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय कोस एक्स बाई टू। तो कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाई टू। नेक्स्ट स्टेप, अब 1 के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप, I इक्वल टू log, अब 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स बाय 2 एज इट इज अपॉन 1 एज इट इज माइनस 10 एक्स बाय 2 था, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 एक्स बाय 2
और 1 के प्लेस पे वी कैन राइट 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग, और ये तो फॉर्मूला बन गया आपका 10 ए प्लस बी का, तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलरली वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स. नाउ डिस्कस नेक्स्ट टाइम टाइप नंबर 5. टाइप नंबर 5 इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रेज टू दी पावर एन इंटू डी एक्स. ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है एफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे नॉर्मली. अब नो प्रूफ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रेज टू दी पावर एन इंटू डी एक्स. लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स. तो dx हमेशा अपन कहा लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब एफ डैश एक्स तो dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं dt, और एफ एक्स के प्लेस पे t, यानी हमको क्या मिलेगा t रेज टू दी पावर n इंटू डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, t रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा t रेज टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस c. और टी किसको लेट किया था हमने एफ एक्स को, मीन्स वी कैन राइट एफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. यानी क्या ऑब्जर्व किया आपने लास्ट टू टाइप्स में फोर एंड फाइव में कि अपने एफ एक्स को टी लेट करना है. पहले अपन को एफ एक्स को सर्च करना क्वेश्चन में और एफ एक्स को टी लेट करना है, और एफ डैश एक्स हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा. पिछले क्वेश्चन में था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और इसमें क्या है एफ डैश एक्स इनटू एफ एक्स, यानी एफ डैश एक्स हमेशा न्यूमरेटर में मिलेगा और एफ एक्स कहीं मिल सकता है इधर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. अब इससे कुछ बेस्ड क्वेश्चन अपन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आई इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन कोई भी एक फंक्शन का डिफरेंशियल चूज कर लेते हैं e टू दी पावर x, और यहां लिख दिया अपन ने e टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स. यानी हम क्या करेंगे लेट e टू दी पावर x इक्वल टू t, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x और फिर t का होगा dt अपॉन dx. तो dx कहां आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. Therefore, I is equal to integration. अब ex into dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं dt, और e to the power इसको हमने t लेट किया तो क्या आएगा t to the power 4. अब integration of t to the power 4 क्या होगा t to the power 4 plus 1 यानी t to the power 5 अपॉन क्या मिलेगा आपको 5 और plus c. किसको लेट किया था हमने t e to the power x को, तो e टू दी पावर x होल रेज टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c. नेक्स्ट है टाइप नंबर 6 इंटीग्रेशन f डैश x
एंड यहाँ पे दे रहा है आपको जी एफ एक्स, यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यानी आपको किसको लेट करना है, एफ एक्स को टी लेट करना है इसके अंदर। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें लेट क्या करना होगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। इसका कोई ऐसे एज ए फॉर्मूला याद नहीं रखना है, प्रोसीजर है कि कहीं भी अगर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, यानी जो अंदर वाला फंक्शन है, मोस्ट प्रॉब्लम उसको ही टी लेट करेंगे। इंटीग्रेशन में कोई भी रूल 100% इफेक्टिव नहीं है, 99% इफेक्टिव है। नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि जब भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन आए तो जो अंदर वाला फंक्शन है एफ एक्स, इसको टी लेट करना है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, बट दिस इज 99.99% इफेक्टिव। सो नाउ टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 8। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां लिख देते अपन 2x और अंदर लिख देते अपन साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर से मिलके बना है। किसको टी लेट करेंगे अपन, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या है, 2x, फिर टी का क्या होगा, dt अपॉन dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 2x dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, dt, और x स्क्वायर के प्लेस पे t लिखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, sin t इंटू डी टी। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t प्लस सी, और t किसको लेट किया था हमने, x स्क्वायर को, तो cos x स्क्वायर प्लस सी। नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, देखो आप पिछले क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर था वो आपका था एफ एक्स, क्या था एफ एक्स, जो एक्स स्क्वायर था वो एफ एक्स, इसको हमने एफ एक्स लेट किया था, और यहाँ पे 2x जो था वो आपका क्या था एफ डैश एक्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखो रूट एक्स आपका क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है साइन और रूट एक्स का, तो जो रूट एक्स वो आपका एफ एक्स हो गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ तो सिर्फ क्या दे रखा है रूट एक्स है, 2 इंटू मेनी, यानी हम 2 से इंटू डिवाइड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हम रूट एक्स को टी लेट करेंगे, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, और फिर टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता किसके लिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो एक आध स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जैसे हमने रूट एक्स को टी लेट किया है, तो दिमाग नहीं लगाना है, पहले क्या करना है, जिसको लेट किया उसकी जगह टी रिप्लेस कर दो। अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो रूट एक्स को एज इट इज लिख दो और डी एक्स को रिप्लेस कर दो। अब डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, यहां से इस स्टेप से डी एक्स इक्वल टू होगा 2√x (dt). तो 2√x (dt), देखो ऑटोमेटिकली रूट एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा आपका, तो कांस्टेंट 2 को कॉमन ले लो आप, यहाँ पर आई लिखना रह गया था, सॉरी इसको करेक्ट कर लेते अपन, हमेशा इंटीग्रेशन का नाम लिखना आपको ना, आई इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी, और जो 2 है उसको कॉमन लेके अपन बाहर लिख देंगे, जब भी कोई कांस्टेंट आएगा उसको बाहर लिखना है। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, यानी वी गेट माइनस 2 कॉस टी प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर दो आप, किससे रिप्लेस करेंगे टी को, हम रूट एक्स है, तो माइनस 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।